So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and Assalamu alaikum and good morning to all of you. Today, we are in lecture number 19 and we are discussing chapter number 8 since last three lectures. The title of chapter number 8 is Products, Services and Brands. We were talking about products and different types of products. सर्विसेज की भी बात करेंगे और पेरेंट्स के डिसीजन के बारे में भी बात करेंगे. सो इन लास्ट लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्रोडक्ट एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स. फिर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर दो कैटेगरीज हमने डिस्कस की. नंबर वन वाज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. फिर उनकी आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स को हमने डिस्कस किया था. आज फिर उसके बाद हमने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिसीजंस के बारे में बात की थी. दैट व्हाइल सपोज यू आर अ मार्केटिंग मैनेजर एंड यू हैव टू डू द डिसीजंस. सो व्हाट आर बेसिकली द लेवल्स ऑफ डिसीजंस. तो थ्री लेवल के ऊपर आपके डिसीजंस होते हैं. सबसे पहला था इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिसीजंस, देन प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस, देन प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस. जो सबसे पहला था डिसीजन प्रोडक्ट इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिसीजंस को हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था. आज उससे आगे जो है वो दूसरे डिसीजन की बात करेंगे. वहीं से स्टार्ट करेंगे. प्रोडक्ट लाइन डिसीजन ये सेकंड डिसीजन था. फर्स्ट डिसीजन की बात हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर. सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज प्रोडक्ट लाइन डिसीजन. फिर इसके बाद हम तीसरे डिसीजन को भी डिस्कस करेंगे आज ही और इस चैप्टर को जो है वो वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे. सो प्रोडक्ट लाइन क्या होता है बेसिकली, एक बात ध्यान में रखिएगा कि प्रोडक्ट लाइन इज बेसिकली ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर क्लोजली रिलेटेड बिकॉज दे फंक्शन इन अ सिमिलर मैनर, आर सोल्ड टू द सेम कस्टमर ग्रुप, आर मार्केटेड थ्रू द सेम टाइप ऑफ आउटलेट्स और फॉल विद इन गिवन प्राइस रेंजेस. आप ये कह सकते हैं कि एक ही तरह की कैटेगरी की जितनी भी प्रोडक्ट हैं किसी भी कंपनी की, उसको हम प्रोडक्ट लाइन बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूनिलीवर की बात की जाए तो एक लाइन है उनकी सोप. अब सोप्स के अंदर डिफरेंट सोप्स वो ऑफर कर रहे हैं. एक लाइफ बॉय है, एक लक्स है, एक डव है, ठीक है. थोड़ी थोड़ी डिफ्रेंशिएशन के साथ उन्होंने एक ही तरह के मतलब डिफरेंट सोप्स जो है वो बना दिए, लेकिन कैटेगरी एक है कि वो सारे के सारे सोप हैं. एक ही तरह के कस्टमर्स को बेचे जाते हैं, एक ही तरह से मार्केट किए जाते हैं, ठीक है. एक ही तरह के आउटलेट्स पे बेचे जाते हैं. प्राइसेस के अंदर भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है. इस वाले कॉन्सेप्ट को बोलते हैं आप प्रोडक्ट लाइन. इसी तरह यूनिलीवर की ही अगर एग्जांपल ले तो एक लाइन उनकी टी की है जिसके अंदर सुप्रीम भी है, लिप्टन भी है और डिफरेंट जो है वो उनके ब्रांड्स हैं. इसी तरह शैम्पूज के एक प्रोडक्ट लाइन है उनकी, ठीक है, जिसके अंदर हेड एंड शोल्डर है, सनसिल्क है और डिफरेंट जो है वो अंदर उनकी वैरायटी आ जाती है. तो एक ही तरह की प्रोडक्ट के अंदर, एक ही कैटेगरी के अंदर जितनी कंपनी प्रोडक्ट ऑफर कर रही होती है उसको प्रोडक्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जांपल सुजुकी है, सुजुकी की भी एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट लाइन्स हैं. एक उनकी ऑटोमोबाइल के अंदर जो वो कार्स की एक लाइन है, एक जो वो उनकी बाइक्स की लाइन है, ठीक है, प्रोडक्ट लाइन है. डिफरेंट बाइक्स भी बनाते हैं सुजुकी वाले और डिफरेंट कार्स भी बनाते हैं, ठीक है, हो गया जी. सो मेरे ख्याल से नॉट इज इजी टू अंडरस्टैंड कि प्रोडक्ट लाइन है क्या बेसिकली. प्रोडक्ट लाइन एक ही तरह की कैटेगरी की जितनी प्रोडक्ट एक ही कंपनी ऑफर कर रही है उसको प्रोडक्ट लाइन बोलेंगे, ठीक हो गया जी. जैसे कोक और पेप्सी की बात करें तो उनकी भी प्रोडक्ट लाइन है. कोक की प्रोडक्ट लाइन की बात की जाए तो वो कोका कोला भी ऐड ऑफर करती है, सेवन अप भी ऑफर करती है, इसी तरह सॉरी स्प्राइट. सो इसी तरह जो वो उनकी मिरिंडा भी है. सो ये क्या है कि ये उनकी बेवरेजेस की एक लाइन है. इस
इसी तरह जो है वो पेप्सी वाले भी अपनी बेवरेजेस की एक लाइन ऑफर करते हैं, फिर इसी तरह जो है वो सात क्रैकर्स की एक उनकी लाइन है, लेज वगैरह की एक लाइन है, सो डिफरेंट वर्जन ऑफ लेज जो है वो देते हैं। सो मतलब क्या कि एक से ज्यादा जब प्रोडक्ट कंपनी ऑफर करती है, कई कंपनीज तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, लेकिन कुछ कंपनीज एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स जब ऑफर करते हैं और एक ही कैटेगरी में कई सारी प्रोडक्ट्स या कई सारे मॉडल्स या कई सारे वर्जन्स दे देते हैं, सो उसको बोला जाता है प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, नो बेसिकली द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज कि आपने जब बीइंग अ मार्केटिंग मैनेजर आपने ऑब्वियसली डिसीजंस लेने होते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के भी डिसीजंस आपको जो वो करने हैं, इसी तरह प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस भी करने हैं कि मतलब कई सारी प्रोडक्ट्स को एक ही तरह की प्रोडक्ट्स हैं, सो उनको इकट्ठे आप जो वो ऑब्वियसली डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट कैंपेन्स, डिफरेंट जो वो मार्केटिंग एक्टिविटीज आप उनके लिए जो वो डिसाइड कर सकते हैं, उनकी इवन प्राइस, उनकी क्वालिटी, ठीक है, सारा कुछ जो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट लाइन के अंदर क्या क्या डिसीजंस आ सकते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट लाइन लेंथ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। प्रोडक्ट लाइन लेंथ क्या है कि एक लाइन के अंदर जितनी नंबर ऑफ आइटम्स हैं उसको प्रोडक्ट लाइन लेंथ बोला जाएगा। मींस जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगी उतनी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। ये एज सिंपल है, जैसे फॉर एग्जांपल एक यूनिलीवर सोप्स के अंदर फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए तो वो फोर सोप्स जो है वो फोर टाइप्स ऑफ सोप्स जो है वो ऑफर करती है मार्केट के अंदर। सो इट मींस कि उनकी लाइन लेंथ जो है वो उसकी क्वांटिटी फोर है। अगर उसमें कुछ और प्रोडक्ट्स, कुछ और सोप्स जो है वो ऐड कर देती है तो उसकी लाइन लेंथ इंक्रीज कर देगी। अगर उसमें से उन फोर टाइप्स ऑफ सोप्स के अंदर से कोई एक अदर रिमूव कर देती है या उसमें से क्विट कर देती है, खत्म कर देती है, तो उसकी लाइन लेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। सो लाइन लेंथ जो है वो डिपेंड करती है ऑन नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक हो गया जी। अब लाइन की जब हम बात करते हैं तो बीइंग मार्केटिंग मैनेजर दो तरह के डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं। नंबर वन इज लाइन स्ट्रेचिंग, देन लाइन फाइलिंग। लाइन फिलिंग भी बोलते हैं इसे, लाइन फाइलिंग भी बोलते हैं। अब ये लाइन स्ट्रेचिंग क्या है, ये दोनों जो स्ट्रेटेजीज हैं, लाइन स्ट्रेचिंग और लाइन फिलिंग, ये दोनों स्ट्रेटेजीज बेसिकली किसके बारे में है। दीज टू स्ट्रेटेजीज आर बेसिकली टू एड मोर प्रोडक्ट्स इन योर लाइन। ये दोनों स्ट्रेटेजीज बोलती किसके बारे में है, ये कहती है कि जी आप जो वो उसके अंदर मजीद ऐड करने जा रहे हैं, कुछ जो वो प्रोडक्ट्स को मजीद उसके अंदर एडिशन करने जा रहे हैं, यानी कि आप जो वो लाइन लेंथ के अंदर जो वो इंक्रीज करने जा रहे हैं। ये दोनों स्ट्रेटेजीज लाइन स्ट्रेचिंग और लाइन फाइलिंग, दीज बोथ स्ट्रेटेजीज आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट टू इंक्रीज द लाइन लेंथ। अब लाइन स्ट्रेचिंग जो वो इंडिविजुअली क्या है, लाइन स्ट्रेचिंग इज बेसिकली टू इनहेंस योर लाइन, और यू कैन से यू आर गोइंग टू गिव द ग्रोथ स्ट्रेटजी टुवर्ड्स योर कंपनी। जो आपने ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स के अंदर भी पता है चैप्टर नंबर टू के अंदर पढ़ा था, जब आप जो वो क्या करते हैं कि मार्केट के अंदर कुछ जो है वो न्यू प्रोडक्ट्स ऑफर करने जा रहे होते हैं, सो ये एक्सपेंशन स्ट्रेटजी भी है। लाइन स्ट्रेचिंग के अंदर आप स्ट्रेच कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, आप जो वो एडिशन कर रहे हैं अपनी लाइन के अंदर। फॉर एग्जांपल आप जो वो जैसे सुजुकी कंपनी की अगर हम बात करें तो सुजुकी जो वो छोटी गाड़ियों के अंदर पाकिस्तान की अगर से बात की जाए तो ये मेहरान, स्विफ्ट, कल्टस, इसी तरह वैगनार, ये सारी जो वो छोटी गाड़ियां जो वो ऑफर कर रही थी। लेकिन लाइन स्ट्रेचिंग अभी कैसे हुई कि उन्होंने एक और प्रोडक्ट बीच में जो वो ऐड कर दी, वो आल्टो। आल्टो जो है वो पहले सिर्फ जापानीज वर्जन के अंदर आती थी, बाहर से इंपोर्ट हम करवाते थे, पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन उसकी नहीं हो रही थी। सो
अल्टो को उन्होंने अपनी लाइन के अंदर ऐड कर दिया, इसको बोलेंगे लाइन स्ट्रेचिंग। के अपनी उसी रिलेटेड आइटम्स के अंदर, उसी लाइन के अंदर रहते हुए एक और आपने वर्शन या एक और मॉडल या एक और जो है वो प्रोडक्ट आपने ऐड कर दी बीच में, इसको लाइन स्ट्रेचिंग बोलते हैं। लाइन स्ट्रेचिंग दोनों तरह से हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर सुजुकी की ही बात करें तो सुजुकी ने जो सुजुकी सियास इंट्रोड्यूस करवाई वो अपवर्ड स्ट्रेचिंग है कि आप जो वो अपने स्टैंडर्ड से थोड़ा ऊपर जाके, अपनी प्राइस रेंजेस से थोड़ा ऊपर जाके या अपने मॉडल से थोड़ा हट के एडिशनली जो वो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं वो अपवर्ड स्ट्रेचिंग है। जैसे सुजुकी सियास की मैंने एग्जाम्पल दी। सो क्योंकि ये हैचबैक गाड़ियां बनाते हैं बेसिकली सुजुकी वाले, यानी छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियों के अंदर ये फेमस नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने सुजुकी सियास बनाई, मींस बड़ी गाड़ी, ये जिसको सिडान गाड़ी भी बोला जाता है, अगर इन्होंने सिडान इंट्रोड्यूस करवाई तो इट मींस दे आर नो इम्प्रूविंग और यू कैन से एडिंग द प्रोडक्ट अपवर्ड, कि ये अपवर्ड जो है वो लाइन स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। और डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग भी हो सकती है कि आप अपनी लाइन से थोड़ा नीचे जाके अपनी जो वो क्वालिटी से या अपनी जो आपकी सिमिलर लाइन है उससे थोड़ा नीचे जाके आप जो वो डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग करते हैं। डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग कैसे होती है, जैसे फॉर एग्जांपल होंडा या करोला जो वो अगर बड़ी गाड़ियां बना रहे हैं तो उन्होंने जो वो क्या किया कि छोटी गाड़ियां भी साथ जो वो ऐड करना शुरू कर दी। ये क्या है कि डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग है कि आप अपने से थोड़ा नीचे जाके अपनी नीचे वाली मार्केट को कैप्चर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। सो लाइन स्ट्रेचिंग बोथ सेंस के अंदर, बल्कि टू वेज के अंदर भी हो सकती है, इकट्ठे पैरेलल जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों सेंस के अंदर जो है वो इसके अंदर एडिशन हो सकता है। बेसिकली मकसद क्या है कि लाइन स्ट्रेचिंग इज बेसिकली एडिशन ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ सिमिलर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स, इधर इट इज अपवर्ड और डाउनवर्ड और टू वे बोथ, दोनों भी हो सकती है। So, इसी तरह दूसरा कॉन्सेप्ट या दूसरी स्ट्रेटेजी है लाइन फाइलिंग, लाइन फिलिंग या लाइन फाइलिंग। ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है लाइक लाइन स्ट्रेचिंग। इसके अंदर भी जो है वो आप एडिशन ऑफ प्रोडक्ट ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हैं, मार्केट गैप को जो है वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल आप जो वो मार्केट के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी आपको नजर आती है या गैप आपको नजर आता है तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए आप क्या कर रहे होते हैं, आप बेसिकली लाइन फाइलिंग कर रहे होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की कि अपॉर्चुनिटी, जैसे सुजुकी की हमने बात की, सुजुकी ने जो सियास ऐड की या विटारा ऐड की है, जो उन्होंने स्पोर्ट्स वर्जन एक दो इंट्रोड्यूस करवाए, अब वो बेसिकली क्या है कि उन्होंने वो गैप को फाइंड आउट करते हुए, अपॉर्चुनिटी को देखते हुए बेसिकली जो है वो वहां पे जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट की। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे लाइन फाइलिंग है। सिमिलर लाइन स्ट्रेचिंग भी और लाइन फाइलिंग भी, लाइन स्ट्रेचिंग के अंदर भी और लाइन फिलिंग के अंदर भी आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली एडिशन ऑफ प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ योर ब्रांड कर रहे हैं, ग्रोथ ऑफ योर ब्रांड कर रहे हैं, कि आप जो वो कुछ अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर वर्जन्स या मॉडल्स जो वो ऐड कर रहे हैं। लेकिन स्ट्रेचिंग इज प्योरली एक्सपेंशन और लाइन फाइलिंग भी एक्सपेंशन है, लेकिन टू फाइंड आउट अ गैप, कि जहाँ पे आपको गैप नजर आता है मार्केट के अंदर वहां पे आप जो वो आप जो वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये टोयोटा है, टोयोटा सिर्फ गाड़ियां बना रही है, तो वो अगर मार्केट के अंदर बाइक्स भी बनाना शुरू कर दे तो वो क्या करेगी, बेसिकली वो लाइन फिलिंग करेगी कि हमारी लाइन के अंदर इस चीज का गैप मौजूद है। सो उस चीज को वो क्या करेगी कि जो वो लाइन फिलिंग के थ्रू जो वो फुलफिल कर सकती है। So, this was the first concept of product line decisions. कि product lines के अंदर product line length को जब हम देखेंगे तो line stretching भी हो सकती है और line filing भी हो सकती है। So, ये था आपका second decision. तीसरा decision आ जाता है, first decision कौन सा था जी, individual product and service decision,
इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिसीजंस, दूसरा था आपका प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस, और थर्ड वन इज योर प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन. प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस कौन से हैं? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स एंड आइटम्स दैट अ पर्टिकुलर सेलर्स ऑफर फॉर सेल. प्रोडक्ट मिक्स बेसिकली सिंपली किसको बोलते हैं, जितनी भी आपकी लाइंस हैं. अब कई कंपनीज तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही होती हैं, कुछ जो है वो एक लाइन ऑफर कर रही होती हैं, कुछ जो है वो कई सारी लाइंस ऑफर कर रही होती हैं. जैसे यूनिलीवर की ही बात करें तो उनकी एक लाइन जो है वो सोप्स की है, एक शैम्पूज की है, एक टी की है, एक किसी तरह कॉस्मेटिक की है. ठीक है, डिफरेंट जो है वो लाइंस हैं उनकी, एक एक लाइन के अंदर डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स हैं. अब अगर प्रोडक्ट मिक्स की बात करें तो ये सारी लाइंस को इकट्ठा कर लिया जाए, शैम्पू, सोप्स, टी, ये सारी की सारी लाइंस को इकट्ठा कर लिया जाए तो ओवरऑल जब कंपनी की बात की जाती है तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन. कि आप जो वो प्रोडक्ट मिक्स की बात कर लें, आप ओवरऑल कंपनी की जितनी भी आइटम्स हैं दैट दे आर ऑफरिंग फॉर सेल इन द मार्केट, अब सारी की सारी जब वो ओवरऑल बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो हैं तो उसी एक कंपनी के अंडर ही ना, चाहे वो आगे नीचे से डिफरेंट ब्रांड्स ही क्यों नहीं है. सो इसको बोला जाता है प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन. अब जितनी इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने के, जैसे फॉर एग्जांपल विड्थ की अगर बात की जाए तो जितनी लाइंस ज्यादा होंगी, जितनी लाइंस ज्यादा होंगी उतनी विड्थ ज्यादा होगी. ठीक है, जितनी लाइंस ज्यादा होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यूनिलीवर की बात की तो हम एक लाइन इंक्रीज कर देते हैं पूरी की पूरी, तो इट मींस कि विड्थ को इंक्रीज कर रहे हैं हम. ठीक है, अगर कोई लाइन डिक्रीज कर देते हैं बीच में से तो इट मींस कि वी आर डिक्रीजिंग द विड्थ. ठीक हो गया जी. सो इसी तरह दूसरा इसके अंदर कॉन्सेप्ट है जी लेंथ का. जो प्रोडक्ट मिक्स लेंथ है, लेंथ का हम बोलेंगे कि जितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा होंगी उतनी लेंथ ज्यादा होगी आपकी. ठीक है, जैसे लाइन लेंथ थी, प्रोडक्ट लाइन लेंथ थी, तो वो एक ही लाइन के अंदर जितनी प्रोडक्ट्स आती हैं उसको लाइन लेंथ बोलते हैं. प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस के अंदर जब लेंथ की बात होगी तो इट मीन्स के टोटल नंबर ऑफ लाइन्स के अंदर जितनी प्रोडक्ट्स ज्यादा होंगी उतनी लेंथ ज्यादा होगी. ठीक है, सो इसी तरह तीसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है डेप्थ. डेप्थ तब बोलेंगे जब हम डिफरेंट नंबर ऑफ वर्जन्स की बात करेंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ मॉडल्स की बात करेंगे. सो उसको बोला जाएगा डेप्थ. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जो वो सैमसंग की बात करें, हवावे की बात करें, तो वो एक ही लाइन के अंदर डिफरेंट वर्जन्स, डिफरेंट मॉडल्स जो वो इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं. जैसे आईफोन के अंदर, आईफोन अगर 11 की भी बात की जाए तो इसके अंदर भी दो तीन वर्जन हैं. एक 128 जीबी वाला होगा, एक 250 जीबी वाला होगा, एक 500 जीबी वाला होगा. अब ये क्या है कि डिफरेंट वर्जन इसके अंदर भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिए. सो इसको हम बोलेंगे डेप्थ. ठीक है, ये प्रोडक्ट मिक्स के अंदर ओवरऑल डेप्थ की बात हो रही है. और लास्ट वन इज कंसिस्टेंसी. ये कंसिस्टेंसी तो हमेशा से हमारे डिसीजन के अंदर होनी चाहिए. ये सारे के सारे जो वो जितने भी डिसीजंस हैं उन सब के अंदर ये कॉमन एलिमेंट है कि कंसिस्टेंसी इन योर डिसीजंस वो प्रिवेल करना चाहिए, कि आप क्वालिटी, कन्फॉर्मेंस क्वालिटी को इंश्योर करते हुए आप जो वो कंसिस्टेंसी के साथ मार्केट के अंदर स्ट्रेटजीज के साथ जो वो जाएं. अब ओवरऑल हमने अभी तक जो डिस्कस किया वो हमने कहा कि देर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ डिसीजंस अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिसीजंस. पहला था इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिसीजन, द सेकंड वन वाज प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस, एंड द थर्ड वन इज प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस. जो लास्ट कॉन्सेप्ट है जी इस चैप्टर के अंदर वो है ब्रांडिंग स्ट्रेटजी. ठीक है, ब्रांडिंग स्ट्रेटजी क्या है? टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स. वो कैसे होगा? सबसे पहले ब्रांड को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. ब्रांड क्या है? ब्रांड इज अ नेम, सिंबल, साइन, इनसाइन या लोगो और एनीथिंग दैट इज बेसिकली आइडेंटिफाइंग द मेकर और मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट प्रोडक्ट. जो जो बेसिकली आपको उसके मैन्युफैक्चरर और मेकर का पता बताती है या उसको आइडेंटिफाई करवाती है, उसको हम ब्रांड बोलते हैं. अब बेसिकली क्योंकि ब्रांड रिप्रेजेंट्स कंज्यूमर परसेप्शंस
and feelings about that product and its performance. It is the company's promise to deliver a specific set of features, benefits, services and experiences consistently to buyers. क्योंकि एक सिंपल कंपनी में और ब्रांड में फर्क ही तब बनेगा कि ब्रांड के साथ लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी परफॉर्मेंस के साथ, उसकी प्रोडक्ट के साथ, उसकी फीचर्स के साथ, ठीक है, लोगों की फीलिंग्स अटैच हो जाती हैं. सो वो जो कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि हम जो वो ये स्पेसिफिक सेट ऑफ फीचर्स, बेनिफिट, सर्विसेज और एक्सपीरियंसेस जो डिलीवर करने जा रहे हैं वो बेसिकली ब्रांड के साथ एसोसिएट हो जाती है. सो वो कंपनी से प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट से ब्रांड बनाने का जो सफर है ये थोड़ा एक टेक्निकल काम है. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन फेजेस के अंदर से गुजरना पड़ेगा, ब्रांड डेवलपमेंट प्रोसेस भी इसको हम बोल सकते हैं. सो सबसे पहली चीज है इसके अंदर ब्रांड पोजीशनिंग. इस मॉडल के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज है दैट यू हैव टू पोजीशन योर ब्रांड. आपको ब्रांड को पोजीशन करना है. पोजीशनिंग के बारे में हमने डिफाइन भी किया था पहले भी शुरू के लेक्चर्स के अंदर कि पोजीशनिंग क्या होता है, दैट क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इमेज इन द माइंड्स ऑफ योर कंज्यूमर. फिर जो दूसरी ब्रांड डेवलपमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज ब्रांड नेम सिलेक्शन. कि ब्रांड नेम सिलेक्शन आपकी जो है वो बड़ी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, बहुत जो है वो इसके अंदर वर्थ होनी चाहिए, वो बड़े जो है वो सोच विचार के साथ होनी चाहिए. उसकी क्या प्रोसीजर्स हैं वो आगे हम डिस्कस करते हैं. तीसरी चीज ये है ब्रांड स्पॉन्सरशिप, मीन्स कि आप किस तरह का ब्रांड बनाने जा रहे हैं, ठीक है, किस टाइप. इसके अंदर फोर कैटेगरीज की बात हम करेंगे, मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड की, प्राइवेट ब्रांड की, लाइसेंसिंग ब्रांड की और को ब्रांडिंग की. इनके डिटेल को भी डिस्कस कर लेते हैं. और लास्ट वन ये है कि ब्रांड डेवलपमेंट के आपने जब ब्रांड डेवलपमेंट करनी है तो वो भी चार तरह से हो सकती है. सो सबसे पहला अगर बात की जाए ब्रांड पोजिशनिंग की तो ब्रांड पोजिशनिंग मे बी बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स और based on your product benefits or it may be based on product beliefs and values. मतलब क्या कि आपकी जब brand positioning जब आप करेंगे तो वो product attributes की base पे आप position कर सकते हैं. Attributes क्या होते हैं, आपने पढ़े थे इसी chapter के अंदर start के अंदर कि quality, style and design, features, ये वाली चीजें जो product attributes कहलाती हैं. So इनकी base पे आप जो वो अगर आपने ब्रांड को पोजीशन करना चाहते हैं या अपना इमेज इनकी बेस पे एट्रीब्यूट्स की बेस पे डेवलप करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है. प्रोडक्ट बेनिफिट्स की बेस पे हो सकता है, प्रोडक्ट बिलीव्स एंड वैल्यूज की बेस पे हो सकता है. सो ये पहला काम आपने क्या करना है, ब्रांड को पोजीशन करना है. देन आपने ब्रांड नेम सिलेक्शन जो करनी है वो बड़ा जो वो उसके अंदर जो वो पूरी एहतियात के साथ आपने ब्रांड नेम सिलेक्शन करनी है. वो कैसे करनी है कि उसके अंदर जो डिजायरेबल क्वालिटीज होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए. नंबर वन, इट शुड सजेस्ट बेनिफिट्स एंड क्वालिटीज. कि आपका ब्रांड नेम जो वो सजेस्ट करे बेनिफिट्स एंड क्वालिटीज को. देन इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, इजी टू रिकॉग्नाइज होना चाहिए, रिमेम्बर करने में आसानी होनी चाहिए ताकि आपको रिकॉल करने में या मेमोराइज करने में आसानी रहे, आपको माइंड से वो नाम भूल ना जाए. यूजली हम पता कहते होते हैं वो पता है कौन सा ब्रांड है, उसका नेम नहीं मेरे माइंड में आ रहा. इट मीन्स कि वो डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस हो, रिकॉग्नाइज करने में, रिकॉल करने में आसानी होनी चाहिए. देन डिस्टिंक्टिव हो, मतलब मुख्तलिफ हो दूसरों से. इसी तरह फोर्थ वन इज एक्सटेंडेबल हो. एक्सटेंडेबल का मतलब है जैसे amazon.com ने सिर्फ बुक सेलिंग स्टार्ट की थी स्टार्ट के अंदर, सबसे स्टार्ट के अंदर, लेकिन उसके बाद उन्होंने सब कुछ अब बेचना स्टार्ट कर दिया. अब अमेज़न इस तरह का एक्सटेंडेबल वर्जन था कि उसके अंदर अब सब कुछ बिक रहा है, तब भी वो amazon.com ही है. स्टार्ट के अंदर वो सिर्फ बुक सेलिंग था तो वो बुक सेलिंग के ऊपर फोकस कर रहे थे. सो मतलब ये कि एक्सटेंडेबल हो, कि आप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं तो वो कर सकें आप. देन इसी तरह वो ट्रांसलेटेबल हो फॉर ग्लोबल इकोनॉमीज, के दूसरी जब कंट्री के अंदर जाए या क्रॉस द बॉर्डर तो तब वहाँ पे ट्रांसलेटेबल भी इजीली हो और उसका मतलब चेंज ना हो. देन इसी तरह रजिस्ट्रेशन और लीगल प्रोटेक्शन के भी कैपेबल हो. सो ये थे कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रांड नेम सिलेक्शन. तीसरी चीज आ जाती है ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स, मीन्स कि आप किस तरह का ब्रांड बनाना चाह रहे हैं. मीन्स मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड, मीन्स वो आप अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस्ड करना चाह रहे हैं
या फिर प्राइवेट ब्रांड. प्राइवेट ब्रांड बेसिकली बोलते हैं स्टोर ब्रांड को या लोकल ब्रांड को आप जो वो क्रिएट करना चाह रहे हैं. देन इसी तरह लाइसेंस ब्रांड के आप किसी से जो वो लाइसेंसिंग लेना चाह रहे होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइसेंसिंग क्या होता है कि आप ऑन द बेसिस ऑफ सम फी आप कुछ जो वो पे करके किसी से जो वो लाइसेंस ले लेते हैं. और इसी तरह को ब्रांडिंग. को ब्रांडिंग होता है किसी के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके पार्टनरशिप के थ्रू जो वो आप जो वो को ब्रांडिंग कर लेते हैं. जैसे सोनी और एरिक्सन ने को ब्रांडिंग की, को दोनों मिल के जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, वो सोनी एरिक्सन बन गई. सो मतलब क्या, इसकी डिटेल आगे जाके हम टाइप्स ऑफ ब्रांड्स की आगे डिस्कस भी करेंगे. बेसिकली यहाँ पे ब्रांड स्पॉन्सरशिप आपने डिफाइन करना है कि किस कैटेगरी का ब्रांड आप डिवेलप करने चाह रहे हैं. और एट द एंड आप डिवेलप कर लेंगे इसको, ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज बोलते हैं कि जिसके अंदर लाइन एक्सटेंशन, जैसे अभी हमने बोला कि आप लाइन एक्सटेंशन करेंगे अपने बिजनेस के अंदर, एक लाइन ऐड कर रहे हैं या फिर मल्टी ब्रांड्स बना रहे हैं. यानी मींस जैसे यूनिलीवर के अंदर मल्टी ब्रांड्स ऑप्शंस हैं कि एक ही यूनिलीवर के अंदर लक्स इटसेल्फ एक ब्रांड है, सुप्रीम अलग एक ब्रांड है, लिप्टन अलग एक ब्रांड है. सो इसको मल्टी ब्रांडिंग बोला जाता है. देन इसी तरह ब्रांड एक्सटेंशन है, कोई एक ब्रांड जो है वो वर्जन बीच में ऐड कर रहे हैं या फिर न्यू ब्रांड्स जो है वो टोटली इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं. जैसे शुरू के अंदर पता है एक पाक्टल कंपनी होती थी, वही कन्वर्ट होके बिल्कुल न्यूली एस्टेब्लिश किया उस कंपनी ने, न्यू ब्रांड जो इंट्रोड्यूस किया और वो जोंग बन गई. ठीक है. सो ये ब्रांड स्ट्रेटजीज होती हैं, ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं डिफरेंट के आप जो वो और इसको न्यू और एग्जिस्टिंग के पैरामीटर्स के ऊपर आप जो एक साइड पे ब्रांड नेम है और एक साइड पे प्रोडक्ट कैटेगरी है कि आप न्यू प्रोडक्ट नेम के साथ जा रहे हैं या एग्जिस्टिंग के साथ जा रहे हैं. और इसी तरह प्रोडक्ट कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली आप न्यू प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं. अगर वो एग्जिस्टिंग होगा, ये मीन्स ब्रांड नेम भी एग्जिस्टिंग है और प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग है, तो उसको बोलेंगे लाइन